तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंटली चीला बनके तैयार हो चुका है, वो भी 5 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ओट्स और बेसन के चीले की सारी तैयारी कर ली है। ये हमारा इंस्टेंटली चीला बनेगा 5 मिनट में। तो देखिए, हमने लिया है 2 टेबल स्पून, 1 कटोरी, 1 छोटी कटोरी ओट्स, 1 छोटी कटोरी बेसन, हरा धनिया, थोड़े 1 टमाटर कट किए हुए, और 1 प्याज रफली चॉप्ड, और 1-2-3 हरी मिर्च, और हमने लिया है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून जीरा और काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, आप मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वेजीज भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, तो मैंने इस हिसाब से लिया है। और हम ये बनाएंगे इसकी चटनी, लाल चटनी चीले के साथ खाने के लिए। तो मैंने लिए सूखी साबुत, 6 से 7 मिर्च, और 2 टमाटो छोटे साइज के, बड़े हों तो 1 लें, और लहसुन, मेरे पास पिसा हुआ लहसुन था, मैंने सब पीस लिया था इसलिए साबुत था नहीं, तो 1 लहसुन लें, बड़े हों तो 1 लें, और छोटे हों तो 2 लहसुन ले लें। तो मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है, और नमक लिया, जीरा भी ऐड करना है, जीरा इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जीरा भी डालें इसमें, जीरा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम चटनी बना लेंगे, लहसुन मिक्सी जार में डाल देंगे, मिर्च अपना, नमक, और अब हम इसकी बना लेंगे अपनी चटनी। इन सब चीज मैंने मिक्सी जार में डाल दी है, अब हम इसकी बनाएंगे चटनी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पेन में ओट्स डाल दिया, हम थोड़ा सा ओट्स को रोस्ट कर लेंगे, एक हल्का ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको हम ओट्स को भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है। ओट्स में बहुत फाइबर और प्रोटीन्स होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें ये पूरे दिन पेट भरा भरा रखता है। ये बहुत ही फुलफिलिंग चीला बन के तैयार होगा नाश्ते में, झटपट बनने वाला चीला है ये। इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट तक भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ओट्स का कितना अच्छा कलर आया, लाइट ब्राउन, बस हमें इसी कलर तक ही इसको रोस्ट करना है, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और हम इसे ठंडा करके मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ अपना ओट्स भी पीस लिया है, तैयार कर लिया है पीस के, और अपनी चटनी भी हमने पीस के तैयार कर ली है। देखिए कितनी अच्छी चटनी पीसी है हमारी, लाल चटनी, और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे सब चीजें, और बेसन भी डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे, और अपनी सारी वेजीज भी इसी में मिक्स कर देंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे, अपनी प्याज भी डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे इसमें। देखिए हरी मिर्च, प्याज सब इसी में इस तरीके से डाल देंगे एक बाउल में, और अपने सूखे मसाले भी इसी में डाल देंगे, जो हमने लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर चाट मसाला लिया था वो भी सब इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने ये पानी लिया 1 कप, इसमें मिलाते जाएंगे बेसन में ओट्स में, इस तरीके से तैयार कर लेंगे मिला के। फ्रेंड, ये बहुत ही हेल्दी चीला होता है। आप अपने वेजीज पहले से काट के रख लें, और ओट्स को भी रोस्ट करके पीस के रख लें, फटाफट नाश्ते के टाइम निकालें, फ्रेंड्स 5 मिनट से पहले बन के रेडी हो जाएगा। बहुत से लोग ऑफिस गोइंग होते हैं तो उनका टाइम नहीं होता है सुबह में जल्दी, तो जल्दी फटाफट बनाएं ये चीला, इंस्टेंटली चीला, और अपने खा लें, आपको पूरा दिन फुल फीलिंग रखेगा ये। आपको इसमें फाइबर बहुत है, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक भूख महसूस नहीं होने देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चीले का बैटर इस तरीके से तैयार कर लिया, इतना ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो अब हमने पेन गरम कर लिया है, अब हम डालेंगे अपना घी, देसी घी, देसी घी में, और बहुत ज़्यादा ही हेल्दी चीला बन के तैयार होगा हमारा ये। आप किसी भी ऑयल में डाल सकते हैं, सरसों में भी बना सकते हैं इसे। तो देखिए अब हम इस तरीके से अपने पेन में अपना चीला डाल देंगे,
पूरे में इस तरीके से फैला देंगे। छोटे छोटे भी आप बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे चीले को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना ब्यूटीफुल चीला बनकर तैयार हुआ है। आप इसी तरीके से बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीला बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया, वो भी इंस्टेंटली बनने वाला। 5 मिनट में चीला बनता है ये। तो आप भी अपने घर में बनाएं इसी तरीके से और एंजॉय करें। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें। आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।